तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश की यूनिट सेकंड में एक टॉपिक है फ्री ट्रांसलेशन। ठीक है, देखिए जो हमारा इंग्लिश का सिलेबस है उसमें यूनिट फर्स्ट टू एट्थ में सारी अपलोड कर चुकी हूँ, बट इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था, मीन्स कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे कमेंट थे फ्री ट्रांसलेशन को लेकर। देखिए जो फ्री ट्रांसलेशन है वो मैं पहले भी टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF में प्रोवाइड करा चुकी हूँ, बट इनकेस आपको इस टॉपिक में डाउट है तो इस वीडियो में हम जल्दी से फ्री ट्रांसलेशन की एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, क्योंकि कल ही आप लोगों का इंग्लिश का एग्ज़ाम है तो इंग्लिश में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स या कैरेक्टर स्केच वगैरह जो भी हो सकता है वो सारी पिक्चर्स मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी हैं, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए फ्री ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें, पहले हम एक बार डेफिनेशन को देख लेंगे। दैट फ्री ट्रांसलेशन इज़ अ ट्रांसलेशन दैट रिप्रोड्यूसेस द जनरल मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। देखिए कहने का यहाँ पे मतलब है जिस भी टेक्स्ट को आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो फ्री ट्रांसलेशन में आपको सिर्फ उसका जनरल मीनिंग मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब है जो हमने लिटरल ट्रांसलेशन पढ़ा था जिसमें हमने देखा था कि वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है, कि जो जो वर्ड आपके सेंटेंस के अंदर हैं या जो भी जिस भी टेक्स्ट को आप ट्रांसलेट कर रहे हो तो उसके अंदर जितने भी वर्ड्स होते हैं वहाँ पे, या मतलब मान लीजिए आप उसमें कुछ भी वर्ड्स हैं तो हर वर्ड का आपको वहाँ पर मीनिंग मिलता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है वो एक तरीके से। बट फ्री ट्रांसलेशन में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है या जो भी आपका सेंटेंस है उसका जो एक तरीके से भावार्थ क्या होगा, उसका जनरल मीनिंग क्या होगा, वही आपको यहाँ पे ओरिजिनेट होके मिलता है। किसी भी टाइप का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन यहाँ पे नहीं होता है, जैसे मैंने पहले भी इसको बताया था। देखिए काफ़ी कोई बड़ा टॉपिक नहीं है ये, तो जो सेकंड यूनिट की हमारी वीडियोस थी दो, उसी में मैंने इसको आपको बता दिया था ऐसी कि जैसे आप कोई भी ईडियम ले लीजिए, जैसे ग्रीस द पाम होता है ना, तो ग्रीस द पाम का मतलब अगर आप इसको एक्चुअल में ट्रांसलेट करने बैठेंगे तो मतलब हथेलियों को मलना या हथेलियों को रगड़ना, इस टाइप का सेंस निकल कर आता है। बट फ्री ट्रांसलेशन में क्या होता है, ग्रीस द पाम का मतलब होता है टू ब्राइब, मतलब रिश्वत देना। तो फ्री ट्रांसलेशन सेम इसी तरीके से होता है, इट मे और मे नॉट क्लोजली फॉलो द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ओरिजिनल, मीन्स जो आपका ओरिजिनल टेक्स्ट है ये उसकी फॉर्म को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करता है। देखिए बिल्कुल भी से मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी उसको टच नहीं करेगा, बस वो जो सेंस उस सेंटेंस का होना चाहिए आपको वो सेंस यहाँ से मिल जाता है। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू विल हैव टू टेक अ वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। ओके, देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो आप किसी भी ईडियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं, क्योंकि जितने भी ईडियम्स हैं आपको देखिए, चाहे वो हिंदी में है या इंग्लिश में है, उनके जो लिटरल ट्रांसलेशंस होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं उनके एक्चुअल ट्रांसलेशन से। ठीक है, अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन को उनके एक्चुअल मीनिंग से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है उनमें। ठीक है, जैसे आपको हिंदी में ईडियम याद होगा ऊँट के मुंह में जीरा, है ना, तो कहने का मतलब क्या है, जो बहुत थोड़ा खाने वाला पर्सन होता है उसको बहुत कम दे देना, बट ऊँट के मुंह में जीरा देखें तो क्या ऊँट जीरा थोड़ी ना खाएगा। तो सेम ऐसे आपका लिटरल ट्रांसलेशन होता है। यहाँ पे एक फ्रेंच ईडियम लिया हुआ है, देखिए फ्रेंच में लिखा हुआ है तो शायद मैं इसको अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, चर्चर मिडी आ क्वाडजोर्स इहरिस। देखिए ये जो वर्ड्स हैं ये फ्रेंच वर्ड हैं, तो आई थिंक इनका प्रोनंसिएशन मैंने काफ़ी ख़राब किया होगा, बट जो भी आप एग्जांपल के लिए समझ लीजिए कि अगर मैं इस ईडियम का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करती हूँ तो इसका मतलब होगा टू लुक फॉर मिडी एट 2 PM। तो आप मतलब रात के 2 बजे, सॉरी रात का नहीं, दिन के, मतलब टाइम दे दिया इन्होंने कि आप 2 बजे कुछ चीज़ ढूंढ रहे हैं, बट इन अ फ्री ट्रांसलेशन। लेकिन फ्री ट्रांसलेशन में इसका क्या मतलब होता है जब आप इसको ट्रांसलेट करते हैं, टू ओवर कॉम्प्लिकेट थिंग्स, तो मतलब जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं उनसे ओवरकम कर लेना, उनसे बाहर आ जाना। टू लुक फॉर मिडी एट 2 PM, अगर हमने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देखा तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, दैट समवन इज़ लुकिंग फॉर द मिडी एट 2 PM, बट जो इसका मीनिंग था वो क्या था, टू ओवरकम कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से बाहर आ जाना। तो आई होप आपको लिटरल ट्रांसलेशन और फ्री ट्रांसलेशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा, है ना। देखिए वैसे तो ये वीडियो मेनली फ्री ट्रांसलेशन को बेस करके बनाया गया था, बट आपकी दोनों चीज़ें इसी में कवर हो जाती हैं। फ्री ट्रांसलेशन में याद रखीजिएगा जो उसका भावार्थ होता है वो, जैसे यहाँ पे क्या भावार्थ था, टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स, और अगर लिटरल ट्रांसलेशन आपसे पूछा होता तो आप ये वाला सेंटेंस बताएंगे, टू लुक फॉर मिडी एट 2 PM। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।